हेलो फ्रेंड्स, आपकी खबर सीरियल अनुपमा को लेकर। अनुपमा, अनुज और अनुपमा के ड्रामे से दर्शक हुए परेशान। ट्रोलर्स बोले, कपाड़िया को न बनाओ वनराज। स्टार प्लस के हिट सीरियल अनुपमा की कहानी में आई ट्विस्ट को दर्शक पसंद नहीं कर रहे। यही कारण है कि सीरियल को लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। रूपाली गांगुली, सुधांशु पांडे और गौरव खन्ना स्टारर शो अनुपमा का लेटेस्ट ट्रैक दर्शकों को कुछ खास रास नहीं आ रहा है। सीरियल को देखकर अनुपमा और अनुज के फैंस भड़के हुए हैं और इसे बंद तक करने की मांग कर रहे हैं। ट्विटर पर लगातार सीरियल को ट्रोल किया जा रहा है। अनुपमा की कहानी की बात करें तो इस साल के शुरुआत से इसमें बहुत बदलाव किए गए हैं। एक तरफ जहां नए साल के साथ सभी के रिश्ते अच्छे हुए थे, तो वहीं अब ऐसी नौबत आ गई है कि अनुज कपाड़िया को अनुपमा से ही नफरत हो चुकी है। माया और छोटी अनुज के जाने से बिगड़ी कहानी। बीते दिनों माया की एंट्री और छोटी अनु की कहानी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। इस दौरान शो की टीआरपी भी टॉप पर रही। लेकिन जब से छोटी अनु को लेकर माया गई है, तब से दर्शकों को शो पसंद नहीं आ रहा। सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना कि सीरियल में एंटरटेनमेंट के नाम पर कुछ भी दिखाया जा रहा है। दर्शकों का कहना है कि ऐसे कैसे अनुज और अनुपमा बिना किसी कानूनी कार्रवाई के छोटी अनु की कस्टडी माया को दे सकते हैं। वहीं छोटी अनु के जाने के बाद अनुज कपाड़िया का जैसा हाल दिखाया जा रहा है, वो भी दर्शकों को रास नहीं आ रहा है। वनराज से हो रहे अनुज कपाड़िया की तुलना। ट्विटर पर एक यूजर ने अनुज कपाड़िया के किरदार को ट्रोल करते हुए लिखा, अनुपमा का अनुज कपाड़िया वनराज शाह की जैसी हरकतें कर रहा है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, हमें अनुज अनुपमा का प्यार देखना है, प्लीज इसे वनराज ना बनाओ। एक यूजर ने अपने ट्वीट में लिखा, अनुपमा को अब अनुज कपाड़िया का घर छोड़कर वापस शाह हाउस चले आना चाहिए। इस अनुज के घर रहने से अच्छा तो अनुपमा वनराज के साथ रहे। कुछ यूजर्स को ये भी लग रहा है कि आने वाले समय में बा के कहने पर अनुज और अनुपमा एक हो सकते हैं और काव्या को शाह परिवार से निकाल दिया जाएगा। अब देखना होगा कि शो को मिल रही ट्रोलिंग के बाद मेकर्स इस कहानी में कुछ बदलाव करते हैं या नहीं, या फिर इसी ट्रैक को आगे बढ़ाते हैं। तो इस बारे में आप अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। बाय बाय।